नेक्सॉन ईवी और टिगोर ईवी के सक्सेस के बाद आज ऑफिशियली टाटा कंपनी ने टियागो ईवी को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है और काफी अट्रैक्टिव प्राइसेस के साथ टियागो ईवी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं टियागो ईवी को कंपेयर करने वाला हूँ टिगोर ईवी के साथ और दोनों ही कारों के प्राइसिंग में आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि टियागो ईवी की कीमत स्टार्ट होती है 8,49,000 रुपीज से और टिगोर ईवी की कीमत स्टार्ट होती है 12,24,000 रुपीज से। तो यहाँ पर आपको लगभग 4 लाख रुपए का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। आखिर ये डिफरेंस क्यों है, लेकिन कम कीमत होने के बावजूद भी टियागो ईवी क्यों बेटर है, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बैटरी पैकअप के बारे में बात कर लेते हैं। टियागो ईवी के अंदर आपको 2 बैटरी पैकअप का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन टिगोर के अंदर सिर्फ 1 बैटरी पैकअप दी जाती है जो कि है 26 किलोवाट आवर की, और इस बैटरी पैकअप के साथ टिगोर लगभग 306 किलोमीटर तक की रेंज दे देती है। रेंज का मतलब होता है एक कार एक सिंगल चार्ज में कितने किलोमीटर तक चलती है उसको रेंज बोलते हैं, और टाटा टिगोर एक सिंगल चार्ज में लगभग 306 किलोमीटर तक की रेंज दे देती है। लेकिन टियागो के अंदर आपको 2 बैटरी पैकअप का ऑप्शन मिल जाएगा। 19.2 किलोवाट आवर बैटरी बैकअप का इस्तेमाल इसके अंदर किया हुआ है, जिसकी मदद से आपको 250 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको ज्यादा रेंज चाहिए तो आप 24 किलोवाट आवर बैटरी बैकअप वाले मॉडल के साथ जा सकते हो, जहां पर आपको लगभग 315 किलोमीटर तक की रेंज मिलने वाली है। लेकिन यहां पर टिगोर के अंदर आपको थोड़ी सी बड़ी बैटरी बैकअप मिल जाएगी, उसके बावजूद भी यह सिर्फ 306 किलोमीटर तक की रेंज दे देती है। लेकिन टियागो के अंदर आपको 24 किलोवाट आवर बैटरी बैकअप का ऑप्शन मिल जाएगा और उसके अंदर आपको 315 किलोमीटर तक की रेंज मिलने वाली है। तो ये एक डिफरेंस आपके सामने है। लेकिन अगर मैं पावर आउटपुट की बात करूं तो टिगोर अपने इलेक्ट्रिक मोटर के साथ लगभग 75 पीएस की पावर आउटपुट और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है, तो यहां पर आपको अच्छी खासी पावर आउटपुट मिल जाएगी टिगोर ईवी के अंदर। वही अगर मैं टियागो ईवी की बात करूं तो इसके अंदर जो 19.2 किलोवाट आवर बैटरी बैकअप का यूज किया हुआ है उसका इलेक्ट्रिक मोटर लगभग 61 बीएचपी की पावर आउटपुट और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है। यहां पर आपको पावर आउटपुट थोड़ी सी कम मिलने वाली है क्योंकि यहां पर बैटरी पैकअप छोटी सी दी गई है। लेकिन अगर आप 24 किलोवाट आवर बैटरी पैकअप के साथ जाओगे तो वहां पर आपको लगभग 74 बीएचपी की पावर आउटपुट और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। यहां पर टियागो के अंदर आपको टॉर्क थोड़ा सा कम मिलने वाला है एज कंपेयर टू टिगोर, लेकिन टिगोर के अंदर आपको पावर आउटपुट और टियागो के अंदर आपको पावर आउटपुट लगभग सेम मिलने वाली है। यहां पर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा सिर्फ टॉर्क का, तो इसी वजह से शायद टिगोर ईवी थोड़ी सी कम रेंज दे देती है। खैर उसके बारे में हम किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। टिगोर ईवी और टियागो ईवी को 0 से 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ने में सिर्फ 5.7 सेकंड का टाइम लग जाता है। यहाँ पर दोनों ही कारों को सेम टाइम लग जाता है, लगभग 5.7 सेकंड में दोनों ही कारें 0 से 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ लेती है। यहाँ पर एक्सेलरेशन के अंदर आपको इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं चार्जर की बात करूँ, टियागो ईवी के अंदर आपको 4 चार्जिंग ऑप्शन मिलने वाले हैं, लेकिन टिगोर ईवी के अंदर आपको सिर्फ 2 चार्जिंग ऑप्शन मिलने वाले हैं। चार्ज टाइम की बात करूँ, यानी किस बैटरी को कितना टाइम लगने वाला है किस चार्जर के साथ, तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, टिगोर ईवी को अगर आप 15 एम्पियर के प्लग के साथ चार्ज करोगे तो इसकी बैटरी 0 से 80% चार्ज हो जाएगी 8 घंटे 45 मिनट में। यानी टिगोर ईवी को लगभग 8.5 घंटे लगने वाले हैं अगर आप इसको 15 एम्पियर के प्लग के साथ चार्ज करोगे। लेकिन डीसी फास्ट चार्जर के साथ अगर आप टिगोर को चार्ज करोगे तो ये लगभग 0 से 80% चार्ज हो जाएगी सिर्फ 65 मिनट के अंदर। वही टियागो ईवी 0 से 80% चार्ज हो जाएगी सिर्फ 57 मिनट के अंदर। तो यहाँ पर भी टियागो ईवी थोड़ी सी आगे निकल जाती है। टियागो ईवी को चार्ज करने में आपको थोड़ा सा कम टाइम लगने वाला है। लेकिन टियागो ईवी के अंदर आपको 7.2 किलोवाट का चार्जर का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसकी मदद से इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी सिर्फ 3.5 घंटों के अंदर। तो ये भी काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर टियागो ईवी के अंदर आपको अच्छे खासे चार्जिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर मैं एक्सटीरियर लुक की बात करूँ तो दोनों ही कारों का एक्सटीरियर लुक भाई दिखने में काफी ज्यादा बेहतरीन है। दोनों ही कारें काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगती है। रोड के ऊपर आपको दोनों ही कारों का लुक अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, टिगोर एक सीडान कार है और टियागो एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है। तो यहाँ पर आपको दोनों ही कारों का जो फ्रंट का फीशा है वो लगभग आइडेंटिकल देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा वो रहेगा रियर फीशा में। टिगोर के रियर फीशा में आपको डिक्की मिलने वाली है, लेकिन टियागो के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टियागो भी दिखने में काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगती है। मुझे इन दोनों में से टिगोर बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। टिगोर का जो एक्सटीरियर लुक है वो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इन दोनों में से आपको कौन सी कार सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अभी यहाँ पर इंटीरियर फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों ही कारों के इंटीरियर में आपको अच्छे खासे फीचर्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले टिगोर के बारे में बात कर लेते हैं। टिगोर का इंटीरियर आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। इसका डैशबोर्ड भी नीट एंड क्लीन रखा हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके सीट्स आपको अच्छे खासे कंफर्टेबल मिलने वाले हैं। लेकिन इसके अंदर आपको आयरन नाम की कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिस
जिसके तहत आप 30 फीचर को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन टियागो के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर आपको 45 से भी ज्यादा कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी के फीचर्स मिल जाएंगे, जिनको आप स्मार्टफोन या फिर स्मार्ट वॉच के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। यह भी बढ़िया फीचर आपको टियागो ईवी के अंदर मिल जाएगा। लेकिन टिगोर ईवी के अंदर भी कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी का फीचर दिया जाता है, वहां पर सिर्फ 30 फीचर्स दिए जाते हैं और टियागो के अंदर आपको 40 से भी ज्यादा फीचर्स मिल जाएंगे। तो ये एक डिफरेंस आप नोटिस कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही कारों के इंटीरियर में आपको अच्छा खासा कंफर्ट मिलने वाला है, सीट काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, डैशबोर्ड भी आपको लगभग सेम मिलने वाला है, लेकिन जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी आपको लगभग आइडेंटिकल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोनों ही कारों के अंदर आपको रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक ओआरवीएम का ऑप्शन आपको मिलने वाला है, क्रूज कंट्रोल, ऑटो हेडलाइट का ऑप्शन आपको मिलेगा, स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन का ऑप्शन दिया हुआ है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का ऑप्शन आपको मिलेगा और ढेर सारे प्रीमियम फीचर्स आपको दोनों ही कारों के अंदर मिल जाएंगे। अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो टिगोर और टियागो को सेफ्टी में 4 स्टार रेटिंग्स मिले हैं और इन्हीं कारों के प्लेटफॉर्म के ऊपर टियागो ईवी और टिगोर ईवी को बिल्डअप किया गया है। तो यहाँ पर आपको सेफ्टी के हिसाब से कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा, सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर दोनों ही कारें बिल्डअप हो चुकी है। तो यहाँ पर सेफ्टी के हिसाब से ये दोनों ही कारें आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करेगी। अब बात आती है इन दोनों में से आपको किस कार के साथ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आपका बजट कम है तो आप टियागो ईवी को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट ज्यादा है, आप सामान ज्यादा कैरी करते हो ट्रैवलिंग के दौरान, तो उस केस में आप टिगोर को जरूर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि टिगोर के अंदर आपको बूट स्पेस थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू टियागो, और यहाँ पर आपको कम्फर्ट दोनों ही कारों के अंदर अच्छा खासा मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको एडिशनली थोड़े से फीचर्स टियागो ईवी के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन इसकी प्राइसिंग भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। टियागो ईवी के हर एक मॉडल की कीमत मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा और इसके बुकिंग्स स्टार्ट हो जाएंगे 10 अक्टूबर से, उसके बाद इसकी डिलीवरीज शुरू हो जाएंगे। एक दो दिनों के अंदर टियागो ईवी का मैं डिटेल रिव्यू वीडियो जरूर लाऊंगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है।